अभी आप लोगों को एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो है गैस सिलेंडर बहुत है, क्योंकि ये लोग जो खाना इसे बनाते थे और इन लोगों के घरों में पानी घुस गया है और ये सिलेंडर भी खत्म हो गया। आपके घर में कब से पानी घुसा हुआ है? 2-3 दिन हो ही गया। 2-3 दिन से। अच्छा, आप लोग कैसे रहते थे वहाँ पे? कैसे रहते हैं वो थी चौकी वोकी पर रहते हैं, डीसी ओसी पर मचान वचान बना करके। हाँ। विधायक सांसद कोई नहीं आते हैं? कोई नहीं आया। वोट मांगने तो आते होंगे? वोट मांगने तो आते हैं। कितना पानी घुसल बा? डाढ़ भर पानी घुस गई बा। शाम को देखिए चिवड़ा उड़ा से काम चलेगा। अच्छा। अब जब आएगा तभी न खाना बनेगा। हम लोग अपने से जो जरूरतमंद लोग है उन लोगों को मदद करते हैं। पानी से बाहर ले जाके मैंने बाजार बाजार कराना है। जब पानी घुस जाला, जब क्योंकि तबियत खराब होला तो क्यों का होला? केहूंगा नहीं, पौर हिलत फुलत केहूंगा जाय जला देंगे वाला तो जाय जला। तो पूरा फसल क्षति भी हो गया, पूरा फसल नुकसान हो गया पूरा। न मोमबत्ती है, न लाइट है, कुछ है ही नहीं। कैसे लोग रह रहे हैं? हम लोग तो खुदे सोच करके मैंने अचंभित। हम लोग बिहार सरकार से, जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको बाढ़ घोषित करके जो मुआवजा हो, उचित मुआवजा वो मिले। अभी धान निकल रहा था, धान जिसको हम लोग फूटना कहते हैं, मैंने उसमें फल दाना लग रहा था और उसी समय जब आ गया बाढ़ तो होगा नहीं, बर्बाद ही हो गया। गन्ना का भी वही हाल है, पूरा लेट गया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूँ गंडक नदी के बीच में। अभी आप लोग देख सकते हैं एक नाव पे है और यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि यहाँ पे सिलेंडर है, बाइक है और बहुत सारे बच्चे हैं, औरतें हैं। ये लोग जो है दीरा में रहते हैं और इन लोगों के घरों में अभी जो है पानी घुस गया, जिसके वजह से ये लोग परेशान थे। तो इन लोगों को जो है अभी इस नाव के द्वारा ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। फिलहाल अभी आप लोगों को एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूं कि अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे जो है गैस सिलेंडर बहुत है, क्योंकि ये लोग जो खाना इसे बनाते थे और इन लोगों के घरों में पानी घुस गया है और ये सिलेंडर भी खत्म हो गया, जिसके वजह से ये लोग जो है खाना अच्छी तरह से नहीं बना पाते थे और ना ये लोग खा पाते थे। तो ये लोग परेशान है और इन लोगों को जो है अभी ऊंचे स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अभी एक चाचा जी है, इनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? उमेश कुशवाहा। उमेश कुशवाहा जी, अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में कब से पानी घुसा हुआ है? 2-3 दिन हो ही गया। 2-3 दिन से। अच्छा, आप लोग कैसे रहते थे वहाँ पे? कैसे रहते हैं वो थी चौकी वोकी पर रहते हैं, डीसी ओसी पर मचान वचान बना करके। हाँ। मतलब नीचे पूरा पानी हो जाता था, आप लोग ऊंचे मतलब कुछ रख कर उस पे रहते थे? डबल डबल चौकी करना पड़ता है। अच्छा। हाँ। और पानी कितना हो गया आपके घर में? जंग जंग भर डांड भर। हाँ, 3 फीट 4 फीट। मतलब देखिए ये लोग कितना दिक्कत से रहते थे। आपके घर में भी पानी घुसा? जी, हमारे भी घर में पानी घुसा। कितना घुसा है आपके घर में? डांड भर है। डांड भर जी। आपके घर में कितना घुसा है? 3 फीट 4 फीट करीब में है। मतलब सब किसी के घर में पानी घुस गया है? प्रॉपर पानी घुस गया। अच्छा, एक बात और बताइए कि अभी तक आप लोगों के घर में पानी घुसा है तो अभी तक कोई दूसरा नेता नहीं आया? और इस पंचायत के जो है बीडीसी अब्दुल गदी और इस पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी रुपेश कुशवाहा जी के द्वारा ये पहल किया गया है और इन लोगों को जो है ऊंचे स्थानों पर, सूखे स्थानों पर ले जाया जा रहा है, मगर इधर जो है विधायक सांसद कोई नहीं आते हैं? कोई नहीं आया। वोट मांगने तो आते होंगे? वोट मांगने तो आते हैं। वोट दे देते हैं आप लोग? अब मजबूरी है, वोट देना पड़ता है। अच्छा। हाँ। तो जब ये पानी खत्म हो जाता है तभी कोई नहीं आते हैं? तभी भी कोई नहीं आता है। अच्छा। इन लोगों से कुछ आप लोग बोलते भी नहीं है? जब यहाँ नहीं आता है तो बोलेंगे किससे? मतलब वोट मांगने आते हैं उस टाइम नहीं बोलते हैं आप? समय भी नहीं आता है, बहुत बाई चांस कभी आता है। आइए, अभी आप लोग देख ही सकते हैं कि इसमें जो है बहुत सारे लोगों का जो है चावल है, आटा है और बहुत सारे। आइए, एक चाची जी है। चाची जी, आपके घर में भी पानी घुसा हुआ है? हाँ, पानी तो हम ले आए हैं। हाँ। कितना पानी घुसल बा? डाढ़ भर पानी घुस गई बा। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग भी परेशान हैं। इस जब घर में पानी घुस गया है तो ये लोग भी परेशान हैं। और इधर जो है ये जो क्षेत्र है सूरजपुर पंचायत का क्षेत्र है और इधर जो है 2 वार्ड पड़ता है, सूरजपुर पंचायत का 9 और 10। और इस वार्ड के जो है वार्ड सदस्य साहब जी है, क्या कहिएगा आपके वार्ड में जो है पानी घुस गया? अब पानी तो 3-4 रोज से हमारे गाँव में घुसा हुआ है। अच्छा। अब मान लीजिए जो कि जो जिसका जैसे सुविधा है, चौकी पर मचान पर बनाकर खाने के लिए, अब तो लावना लकड़ी भी गीला हो गया है तो घर से सब लाद के लेकर जा रहा है लोग। अच्छा, ये गैस जो है आज ही खत्म हुआ है या इससे बहुत पहले? कल का खत्म है, किसी का आज का खत्म हो गया है। अच्छा। तो हम लोग लेकर जा रहे हैं, उधर से भरवा कर लाएंगे। तो अब शाम को देखिए चिवड़ा उड़ा से काम चलेगा। अच्छा। अब जब आएगा तभी न खाना बनेगा। मतलब जो गैस खत्म हो गया तो आप लोग चिवड़ा खाते हैं? हाँ जी।
अच्छा। अब इसी के रास्ते से जा रहे हैं इसको लेकर। अच्छा इधर कितना लोगों का घर है? ए कम से कम 200-300 घर है। 200-300 घर है, सब लोग परेशान रहते हैं? सब लोग परेशान रहता है। और आइए 9 का 10 का दोनों का, वार्ड नंबर 9 और 10 दोनों का स्थिति यही है? स्थिति यही है। अच्छा चलिए आइए इस पंचायत के जो है बीटीसी पंचायत समिति सदस्य साहब हैं, इनसे जानते हैं क्या स्थिति। आप देखे इधर गए, बहुत सारे लोगों को जो है आप ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं, क्या कहिएगा इस पे? हम लोग तो बराबर जाते हैं जब बाढ़ आता है। अच्छा। ये तो लास्ट में बाढ़ है, इसके पहले भी हम लोग गए थे। हम लोग अपने से जो जरूरतमंद लोग है उन लोगों को मदद करते हैं, पानी से बाहर ले जाके मैंने बाजार कराना है, बस दूसरा कोई जो हम अपने नाम से सब कुछ करा। हाँ, अपने नाम से, हमारा अपना नाम है। अच्छा राहुल कहाँ घर पड़ी? ये जान सिंगई मसांडा। सिंगई मसांडा कौन नंबर वार्ड में? 9 नंबर में पानी घुस गया घर में। हाँ घर में। अच्छा रहुआ ये बताई कि जब पानी घुस जाला जब केहू का तबियत खराब होला तो क्यों का होला? केहू गन या पौर हिलत फुलत केहू जाय जला डेंगिया वाला तो जाय जला ना तो वही गन। अच्छा यानी हॉस्पिटल कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, हॉस्पिटल बनल बा लेकिन वो डॉक्टर वगैरह कुछ क्या नहीं जाता है? डॉक्टर लोग नहीं रहते हैं, हॉस्पिटल है। अच्छा लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आते हैं? सरकारी डॉक्टर कोई नहीं रहता है भाई, आते हैं वो तो अलग बात है, कोई रहता ही नहीं है। अच्छा मतलब जब सीरियस हो जाता है किसी का तब क्या करते हैं? अरे भाई वहाँ जैसे मान लीजिए कुछ लोग है वहाँ पे जो कुछ जानकार झोरा छाप, उन्हीं लोग से इलाज होता है, झोरा छाप से इलाज कराता है संतुष्टि के लिए, तो दूसरा कौन उपाय है। अच्छा चलिए एक और समाज सेवी है ओम प्रकाश कुशवाहा जी, क्या कहिएगा इस तरह के आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए ये ग्राम पंचायत सूरजपुर है जी। अब यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं, एमपी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 5000 लोगों का जीवन अस्त व्यस्त रहता है, जब बाढ़ आता है तो जो है कि इन लोगों को तबाही मच जाता है। अभी जैसे हमारे भावी प्रत्याशी रुपेश बाबू हैं जो अपना नाव लेकर के लोगों को वहां से सिलेंडर चावल आटा जो भी उन्हें लोगों को बचा उसको बचाने का उपाय किए हैं। इसी में हम लोग भी समाज सेवी में रहते हैं साथ। क्या बोल रहे हैं आप? इस बार से तो पूरा फसल क्षति भी हो गया, पूरा फसल नुकसान हो गया, पूरा पूरा धान पक रहा था, फूट रहा था। क्या मांग करना चाहते हैं? गवर्नमेंट और मुआवजा दे हम लोग को, मुआवजा का मांग कर रहे हैं ना? क्या खाएंगे हम लोग? पहले से जो आप अनाज रखे थे वो भी पानी में भीग गया, पानी में भीगी गया और ये जो धान है वो खराब ही हो गया, सब कुछ खराब हो गया। तो ये लोग जो है मुआवजा का मांग कर रहे हैं। और आइए इस पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी है, क्या कहिएगा आप? इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मददगार बने हुए हैं, क्या कहिएगा इस पे? चलिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये न्यूज कवरेज करने के लिए, इस प्रशासन को दिखाने के लिए। हम लोग से जितना बन सका है हम लोग किए हैं। गांव में पूरा पानी है, जांग भर पानी है, ठेहुना भर पानी है, कहीं कमर भर पानी है, फसल तो टूटल बर्बाद हो गया है। धान तो हम लोग को लग नहीं रहा है कि धान हो पाएगा, गन्ना का भी वही हाल है। तो आप लोग के माध्यम से हम लोग बिहार सरकार से जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि इसको बाढ़ घोषित करके जो मुआवजा हो उचित मुआवजा वो मिले। दूसरी बात है कि अभी भी आज भी थोड़ा सा बूंदाबांदी हुआ है, तो स्थानीय प्रशासन से जिला प्रशासन से हम लोग मांग करेंगे आपके माध्यम से कि पॉलिथीन सीट और फूड पैकेट जो होता है, पिछली बार भी हम लोग गए थे आपके साथ और हम लोगों ने सबका दुख देखा था, आज तो मैंने असहनीय दुख है, न मोमबत्ती है न लाइट है, कुछ है ही नहीं, कैसे लोग रह रहे हैं, हम लोग तो खुदे सोच करके मैंने अचंभित। तो इसलिए हम लोग सरकार से जिला प्रशासन से मांग करेंगे यथासंभव कुछ मेडिकल टीम भी हो, जैसे सांप काट लिया या किसी के पेट में दर्द हो गया, तो बहुत लोगों का बुखार हो गया, हाँ तो मेडिकल टीम को भी वहाँ डिप्लॉय करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को तत्काल जो है कुछ राहत मिल सके। और हम लोग से जितना बन सका, आप तो देख ही रहे हैं कि एक बड़ा नाव सुबह भी आया था उस पर भी लोग गए थे और आज भी हम लोग लेके जा रहे हैं, फिर उधर से जब पानी कम होगा तो ये फिर अपने अपने घरों को जाएंगे। अच्छा ये इधर के जो लोग हैं जिन लोगों के घरों में पानी घुसा है फसल बर्बाद है उसको जो है ये मुआवजा का मांग करते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार?
बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं चाहता हूँ बिहार सरकार आप लोगों के माध्यम से देखे इस जगह को, इस जगह के आप तो आधा बिहार ही जलमग्न हो गया है। उधर कोसी का वही हाल है, हमारे गंडक का वही हाल है, तो पानी कहीं कम थोड़े ना है, फसल तो टोटली बर्बाद है। मेन बात है अभी धान निकल रहा था, धान जिसको हम लोग फूटना कहते हैं, मतलब उसमें फल दाना लग रहा था, और उसी समय जब आ गया बाढ़ तो वो तो होगा नहीं, बर्बाद ही हो गया। गन्ना का भी वही हाल है, पूरा लेट गया है। हम लोग घूम रहे थे, देख रहे थे, लेकिन मिला जुला की स्थिति बहुत ही खराब है। अब बाकी स्थानीय प्रशासन से, शासन से हम लोग मांग करेंगे कि गरीबों का जो भी मदद हो सके वो किया जाए, किया जाए। अच्छा आप जो है बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या कहिएगा, आपके एरिया में इस तरह से बाढ़ आया है? बाढ़ आया है तो परेशान तो होना ही है, और मान लीजिए पानी है 4 फुट तो मतलब किस तरह से आप परेशान रहते हैं? लोग के घर में पानी घुस जाता है तब, या जब आप लोगों को खाने का कुछ नहीं मिलता है तब, या दूसरा कुछ? कुछ लोग ऐसा है कि मान लीजिए सिलेंडर और आ गया, लौना नहीं है तो खाना नहीं बनेगा, तो वो तो परेशान रहेंगे। तो ये मतलब आप लोगों के यहाँ सिलेंडर कैसे पहुँचता है, कोई लेकर जाता है या आप लोग इधर से आकर लेकर जाते हैं? हम लोगों को आकर लेकर जाना पड़ता है, जलावन वलावन नहीं मिलता वहाँ, मतलब है वो भींज गया है तो उसको क्या, बाढ़ में आज जो बचा है तो मान लीजिए पानी है तो इसमें लाने कौन जाएगा? पानी तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि पानी जब गंडक बड़ा से छोड़ा गया है नेपाल से, तो इधर जो है गंडक नदी है, और इस गंडक नदी में आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पानी है। चारों तरफ आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है उफान मारा है, और ये अभी आप लोग देख रहा, ये जो है अभी आप लोग देख रहे हैं, ये जो है बांध है, और इसी बांध के द्वारा जो है अभी पानी को इधर ही रोका गया, नहीं तो उधर भी गांव है, अगर इस बांध को कोई क्षति पहुंचता है तो उधर भी बहुत सारे लोग रहने वाले हैं, वो लोग भी परेशान होंगे। अभी आप लोग देखिए कि इसमें का स्थिति क्या है, किस तरह से, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक ले जाए।